नमस्कार, चरक आयुर्वेद क्लासेस के इस ऑनलाइन सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चरक चिकित्सा का 20वां चैप्टर जो छर्दी चिकित्सा अध्याय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने अतिसार चिकित्सा का अध्ययन किया था, तो मैं चाहूँगा कि आज हम लोग छर्दी चिकित्सा का अध्ययन करें। कुछ तकनीकी कारणों से आज का सेशन विलंब से शुरू हो रहा है। आप तक मैं ऑडिबल हूँ, आपको आवाज़ बराबर आ रही है तो कृपया कमेंट करेंगे। और अब हम आगे अपना 20वें अध्याय का अध्ययन आज प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमने अतिसार चिकित्सा में पढ़ा था, मैं कुछ बातें आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे हमने एक प्रश्न किया था कि कृते अपि अकृत संज्ञा किस अतिसार में आया था और अतिसार के साथ कौन सी व्याधि में और आया है, तो वहाँ पर कफज अतिसार का लक्षण है वो, और अष्टांग हृदय में मूत्र वृद्धि का भी लक्षण है। फिर एक प्रश्न किया था मैंने कि प्रवाहिका के लिए आचार्य वाग्भट्ट ने कौन सा पर्याय बताया है, तो बिंबशी नाम से प्रवाहिका का वर्णन किया है आचार्य ने। फिर एक प्रश्न हमने आपसे किया था कि भयज और शोकज जो अतिसार हैं उनके लक्षण या उनकी चिकित्सा किस तरह की होगी, तो हम लोगों ने बात की थी कि काम शोकात भयाद वायु, तो भयज और शोकज अतिसार में वातज अतिसार के समान ही लक्षण मिलते हैं और उसकी चिकित्सा भी उसी तरह की होगी। भयज है, शोकज है, तो एक में हर्षण चिकित्सा करेंगे, एक में आश्वासन वाली चिकित्सा करेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आज हम आते हैं छर्दी चिकित्सा पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छर्दी के भेद आचार्यों ने किस तरह से बताए हैं। तो आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट्ट ने छर्दी के 5 प्रकार बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और दुष्टार्थ संयोगज, है ना, VPKS और दुष्टार्थ संयोगज। आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव ने भी 5 भेद बताए हैं। VPKS 4 तो यही रहेंगे, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। और जहाँ पर इन्होंने दुष्टार्थ संयोगज बताया है वहाँ पर आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव ने आगंतुक छर्दी का वर्णन किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आचार्य सारंगधर की बात करते हैं कि छर्दी के कितने भेद हैं, तो उन्होंने 7 प्रकार बताए हैं, 7 टाइप्स बताए हैं। 5 तो यही हैं, और उसके बाद उन्होंने घृणाजन्य और गर्भज छर्दी बताया है। तो VPKS, क्रिमिज, ये तो हो गए 5 प्रकार। इसके बाद इसमें 2 और जोड़ देना है, घृणाजन्य और गर्भज जो छर्दी है उसको बताया आचार्य। अब चूंकि इसके पहले अतिसार का वर्णन किया था आचार्य ने, इसलिए अतिसार के बाद छर्दी का वर्णन किया। सूत्र क्रमांक 6 में आएंगे जहाँ पे वोमन के भेद हैं, जैसा हमने पहले ही चर्चा कर ली है, लेकिन श्लोक में देखेंगे। दोषई ही पृथक त्रिप्रभवा चतस्रो दुष्टार्थ योगादपि पंचमी स्या, अलग अलग दोषों से 3 प्रकार का, है ना, वातज, पित्तज, कफज और साथ में सन्निपातज, ये 4 प्रकार हो गए। और उसके बाद 5वीं जो है वो दुष्टार्थ योगज, न कोई ऐसा स्वरूप, कोई ऐसा विषय आप देख लेते हैं जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण छर्दी की उत्पत्ति हो जाती है। वमन का पूर्व रूप, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आप श्लोक का अवलोकन करेंगे। ताशाम हृद उत्क्लेश कफ प्रसेकौ द्वेषे असने चैव, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हृद उत्क्लेश कफ प्रसेक और द्वेषे असने, यानी भोजन में द्वेष उत्पन्न हो जाए, भोजन करने की इच्छा न हो, तो ये किस व्याधि का पूर्व रूप है, छर्दी का पूर्व रूप। आचार्य भाव प्रकाश ने लवणाश्यता भी एक शब्द का उल्लेख किया है, जब छर्दी का पूर्व रूप बताया है तो वहाँ पर लवणाश्यता भी है। और ये अनुभव का विषय है कि कई बार जब वमन होना होता है तो मुंह में जो लाला स्राव होता है वो ऐसा लगता है कि इसका नमकीन स्वाद। आचार्य माधव ने जो पूर्व रूप बताया है, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें, हृल्लास उद्गार रोधो च प्रसेको लवणस्य तनु द्वेषो अन्नपाने च भृशम ममीनाम पूर्व लक्षण। तो ये माधव निदान में भी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं।
और यहाँ भी जो अर्थ है उसका कि हिरलास होता है यानी नाजिया फील होता है, उद्गार रोध डकार नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी जो आमाशय में चाहे वो कप हो चाहे खाद्य पदार्थ हो हैं तो वो ऊपर की तरफ आना चाहेंगे, और उद्गार हमेशा तब आता है जब जो कंटेंट हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट हैं, जो पेट में आमाशय में चीज़ें जब नीचे की तरफ जाती हैं तब उद्गार आता है ना। तो देखिए यहाँ पर हिरलास उद्गार रोधो च प्रसेको लवणस्य तनु, मतलब जो मुँह है वहाँ पर लवणास्यता उत्पन्न हो जाती है, नमकीन स्वाद हो जाता है, और द्वेषे अन्न पाने च न तो खाने की इच्छा होगी न तो कुछ पीने की इच्छा होगी, है ना। वृषम बवीनाम पूर्वज, ये माधव निदान में है, आप अवलोकन कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो इसका पूर्व रूप बताया है वो इस तरह से बताया है कि प्रसेको हृदय उत्क्लेशो भक्तस्य न अभिनंदनम। तो लाला श्राव होगा, प्रसेक मतलब लाला श्राव होगा, हृदय में उत्क्लेश होगा और भोजन की इच्छा नहीं होगी, अभिनंदन नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, खाना नहीं चाहेगा जो व्यक्ति है। अब आगे आप देखेंगे वात छर्दी का निदान है, संप्राप्ति है। तो कोई भी व्याधि जिस दोष से उत्पन्न होने वाली है, वातज लिखा ही है, तो जो वात प्रकोपक आहार होंगे, जो वात प्रकोपक विहार होंगे और जो मानसिक निदान होंगे इसके, वो सभी वात छर्दी को उत्पन्न करने वाले होंगे। तो व्यायाम तीक्ष्ण औषध शोक रोग भय उपवास हाँ आदि अतिकर्षितस्य, तो वो सभी निदान जिनसे वात का प्रकोप होता है उनका सेवन करने के बाद वायुर्महास्रोतस्य संप्रवृद्ध, तो जो वात है वो महास्रोतस में पहुंच जाता है, GIT में पहुंच जाता है। संप्रविद्ध उत्क्लेश्च दोषांत तत् ऊर्ध्वमश्च, तो वहाँ पहुंचने के बाद जो दोष हैं वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, वमन चाहे वात के कारण हो, चाहे पित्त के कारण हो, चाहे कफ के कारण हो, दोषों का ऊर्ध्वगामी होना ही पड़ेगा। जब वो ऊर्ध्वगामी होंगे तभी बाहर निकलेंगे। जो वमन की परिभाषा बताई है आचार्य सारंगधर ने, अगर आपने वहाँ पर सारंगधर संहिता पूर्वखंड चतुर्थ अध्याय में उसका अध्ययन किया होगा, तो उन्होंने परिभाषा बताई आचार्य ने कि अपक्वपित्त श्लेष मानम बलाद ऊर्ध्वम नयत्वेत वमनम तद्विज्ञेयम, है ना, मदनस्य फलम यथा। तो ऐसी औषधि या औषध द्रव्य जिनके सेवन से अपक्वपित्त हो, चाहे अपक्व अन्न हो, चाहे अपक्व श्लेष्मा हो, बेसिकली यही तीन चीज़ें निकलती हैं वमन में। तो अपक्वपित्त श्लेष मानम बलाद ऊर्ध्वम, बलपूर्वक ऊर्ध्व मार्ग से यानी मुख मार्ग से बाहर निकलता है उसको वमन कहते हैं, और जो द्रव्य इसमें सहायक होते हैं उनको वामक द्रव्य कहते हैं, जैसे मदन, है ना। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, वायु महास्रोत संप्रविद्ध उत्क्लेश दोषास्त ऊर्ध्वमश्चन आमाशय उत्क्लेश कृताम च मर्म प्रपीड्य छर्दिम उदीरे, अंडरलाइन कर लेंगे इसे। अब लक्षण देखिए क्या उत्पन्न होगा, वात छर्दी होगी तो वात के लक्षण मिलेंगे। हृत पार्श्व पीड़ा, जहाँ भी पीड़ा आएगी, जहाँ भी सूल आएंगे, हमें पता है कि ये वात के कारण होता है। हृद पार्श्व पीड़ा, मुख शोष, मूर्ध नाभि, है ना, अर्ति काश स्वर भेद तो दे, तो सिर में भी दर्द होगा, नाभि प्रदेश में भी होगा, काश भी उत्पन्न हो सकता है, स्वर भेद हो सकता है, तो यानी प्रिकिंग पेन हो, चुभने जैसी पीड़ा हो, ये वात का लक्षण। उद्गार शब्द प्रॉब्लम, यहाँ पर उद्गार बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि वात की वृद्धि होगी। स फेनम विच्छिन्न कृष्णम तनुकम कषायम, तो झागदार वहाँ पर जो वमन द्रव्य निकलेगा, जो वोमिट निकलेगा, वोमिटस, वो उसमें झाग होगा। पित्त छर्दी का निदान, संप्राप्ति और लक्षण देखेंगे, तो वो सभी निदान जिससे पित्त का प्रकोप होता है उनका सेवन करने से पित्त छर्दी होती है। तो आचार्य कहते हैं कि अजीर्ण कटु अम्ल विदाही अशीतई, है ना, उष्ण पदार्थ ज़्यादा सेवन करने से, अजीर्ण अवस्था में कटु अम्ल और विदाही द्रव्यों का सेवन करने से आमाशय पित्तम उदीर्ण वेगम, वहाँ पर पित्त का जो प्रमाण है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। रसायनी भी विषितम प्रपीड्य मर्म ऊर्ध्वम आगम्य वमिं करोति, तो ऐसे सभी निदान जिनसे पित्त का प्रकोप होता है उनका सेवन करने से पित्त छर्दी उत्पन्न होती है। फिर पित्त छर्दी का लक्षण देखिए आप,
मूर्छा पिपासा, अब ये पित्त के लक्षण है ना, मूर्छा पिपासा मुख शोष, अंडरलाइन करिए, देखिए मुख शोष अभी आपको वातज छर्दी में भी मिला था और यहाँ भी आपको मिल रहा है ना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, मूर्द तालु अच्छी संताप तमो भ्रमारदा, तो जो ये पित्त के कार्डिनल सिम्टम है वो मिलेंगे आपको यहाँ पर। पीतम भृशोषणम हरितम सतिक्तम धूम्रम च पित्तेन वमेत सदाम, अब यहाँ दाह के साथ वमन की प्रवृत्ति हो रही है, वात के कारण हो रहा था तो वहाँ पर हृदय में पार्श्व प्रदेश में सूल हो रहा था, तोद हो रहा था, जब पित्त की बात आ रही तो वहाँ पर दाह हो रहा है, मूर्छा हो रहा है ना। और आचार्य वाग्भट ने यहाँ पर एक लक्षण बताया पित्त छर्दी में, क्षारोदक निभम धूमम, क्षारोदक निभम धूमम ऐसा बताया उन्होंने। आगे आते हैं फिर यहाँ पर आचार्य कफ छर्दी का निदान संप्राप्ति और लक्षण बताते हैं कि वो सभी निदान जिनसे कफ का प्रकोप होता है उनका सेवन करने से कफ छर्दी होती है। तो आप देखेंगे तो लिखा है स्निग्धाति गुरु आम विदाही भोज्यई स्वप्नादिभिश्च कफोवती वृद्धो, वो सभी निदान जैसा मैंने कहा कि जिस दोष का प्रकोपक जो निदान है उसका सेवन करने से उस तरह का रोग होता है। तो यहाँ पर उरह शिरो मर्म रसायनिश्च सर्वा समावृत्त, वमन की प्रक्रिया वही रहेगी। आधुनिक वैद्यक शास्त्र के अनुसार भी जो फोर्सफुल एक्सपल्सन होता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स का वही वोमिटिंग है ना। फिर कफ छर्दी का लक्षण देखिए, इसमें जो आपको ध्यान देना है वो देना है तंद्रा आश्च माधुर्य, ये तो आपको पता चल जाएगा, कफ प्रशेक है ना, संतोष निद्रा अरुचि गौरवार्थ स्निग्धम घनम स्वादु कफाद विशुद्धम और सलोम हर्षो, ये आपको ध्यान रखना है कि लोम हर्ष ज़्यादातर कफज व्याधियों के लक्षण के रूप में आपको मिलता है, कहीं कहीं वो वात में भी है। मैंने आपको पूर्व में जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि देखिए ये कफ में मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर वात में है, तो ये आपको ध्यान रखना। संनिपातज में अब जब सभी रसों से युक्त और सभी दोषों को प्रकोपक निदान का सेवन करेगा व्यक्ति तो वहाँ पर संनिपातज छर्दी हो जाती है। समस्नतः सर्वरसान प्रसक्तम आम प्रदोष ऋतु विपर्यश, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी रसों का जब सेवन करेगा और आम दोष की वृद्धि होगी और ऋतु विपर्यय होगा तब वहाँ पर सन्निपातक छर्दी होगी। सर्वे प्रकोपम युगपत प्रपन्ना छर्दी त्रिदोषाम जनयंती दोषा, तो सभी दोष एक साथ प्रकोपित होंगे और सन्निपातक छर्दी उत्पन्न होगी। शूल अविपाक अरुचि दाह तृष्णा श्वास प्रमोह प्रबला प्रसक्तम, अब जो आप अलग अलग दोषों में जो लक्षण पढ़ रहे थे वो यहाँ पर आपको कंबाइंड फॉर्म में मिले, सूल मिलेगा, अविपाक मिलेगा, अरुचि मिलेगी, दाह तृष्णा श्वास प्रमोह ये सब मिलेंगे आपको। शर्दी त्रिदोषात लवण अम्ल नील सांद्र उष्ण रक्तम वमताम निणाम चात, यहाँ पर एक लक्षण जुड़ गया कि रक्त भी उसमें आ सकता है, हिमेटिमेसिस या हिमोप्टाइसिस भी हो सकती है ना। असाध्य सन्निपातक छर्दी की क्या स्थिति होगी वो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं। वीट स्वेद मूत्र अम्बुवाहिनी, वीट स्वेद मूत्र अम्बुहानि लिखा है आचार्य ने यहाँ पर। वायु स्रोतांश समृद्ध यदा उर्ध्वमेति उत्सन्न दोषस्य समाचितम तम दोषम समुद्धूय नरस्त कोठात कोष्ठात, अंडरलाइन करेंगे, वीण मूत्रयो तत् समवर्ण गंधम तिट श्वास हिक्का अर्ति युतम प्रसक्तम, अब यहाँ पर जो वोमिटस होगा उसमें मूत्र और पुरुष की गंध आ सकती है और साथ में त्रिषा श्वास हिक्का इनसे रोगी पीड़ित हो जाएगा। प्रच्छर्दयेत दुष्टम यह अतिवेगा तया अर्दितश्च आंसु विनाश, तो ऐसा रोगी जो होगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा ऐसा आचार्य कह रहे हैं। फिर दुष्टार्थ संयोग से होने वाले, दुष्टार्थ जैसा मैंने बताया कि ऐसा कोई विषय, अर्थ मतलब विषय जिसको देखने से, जिसको सुनने से, जिसको सूंघने से, जिसको स्पर्श करने से मन में ऐसा भाव आ जाए कि वमन हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सड़क से जा रहे होते कोई दुर्गंध युक्त कोई ऐसी जगह मिल जाती है वहाँ पर भी वोमिटिंग हो सकता है, क्योंकि दुर्गंध का गुण है एक ये, जब इसकी आप परिभाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यह हल्लास कारक होता है ना। या कोई ऐसी बात सुन ली आपने घृणा उत्पन्न होने वाली, इसी को कुछ आचार्यों ने घृणाजन्य भी बताया। तो आचार्य कहते हैं कि दुष्ट प्रतीप आसु है ना, असुचि पूति अमेद्य बीभत्स गंध असन दर्शनैश्च
यच्छर्दे तप्त मना मनोग्नि दुष्टार्थ संयोग भवावता। तो जो द्वेषवित यानी जिसको मन नहीं चाहता है ऐसा कोई विषय देखने सुनने में आ जाता है तो वहाँ पर जो छर्दी उत्पन्न होती है उसको दुष्टार्थ यानी जिस विषय से द्वेष उत्पन्न हो जाए। अगर कोई वेजिटेरियन है, खाने की टेबल पे बैठा है और ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ वेज नॉन वेज दोनों है, अब उसके सामने धोखे से उसने ऑर्डर किया है वेज और धोखे से आ गया नॉन वेज, तो हो सकता है कि खाने के टेबल पर ही उसको वमन हो जाए। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होगी ये द्विष्टार्थ संयोगत छर्दी है, या वेज ही आ गया। कभी कभी ऐसा होता है बैगन की सब्जी आ गई और उसमें कहीं से कीड़ा पड़ा हुआ है, इल्ली है देखने में, तो खाते खाते आधा भोजन किया है और उतने में उसको दिख गया कि अरे नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उस समय जो छर्दी होगी वो द्विष्टार्थ संयोगत छर्दी होगी। इसके विमर्श में आइए, आप श्लोक नंबर 18 के विमर्श में आइए। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आचार्य चरक ने वातज पित्तज कफज सन्निपातज दुष्टार्थ संयोग जो पांच प्रकार का छर्दी रोग बताया। आचार्य सुश्रुत ने इनके अतिरिक्त विभत्सजा दौहृदजा आमजा च सातवें प्रकोपात कृमिजा चयाई सा पंचमी ताम च विभावे च दोषाश्रयण एव यथोक्त मालूम। तो गर्भावस्था जन्य आम दोषा जो कृमिज, ये तीन छर्दियों का अलग से वर्णन किया। काउंटिंग में नहीं है कि 5 + 3 8 हो जाएंगे, है ना। चरक ने आम दोषज वमन को सन्निपातज में माना है, गर्भावस्था जन्य को आगंतुज मान लिया, ऐसा लिखा। तो ये आप देख लीजिए। फिर असाध्य छर्दी का लक्षण बताया आचार्य ने, श्लोक नंबर 19 में देखिए। क्षीणस्य या छर्दी अति प्रवृद्धा स उपद्रवा शोणित पूय युक्ता स चंद्रिकाम ताम प्रवदंती असाध्याम साध्याम चिकित्सेद अनुपद्रवाम च, है ना। तो रोगी क्षीण हो जाए, अगर वमन हो रहा है लगातार तो आप जानते हैं कि वमन ज़्यादा हो रहा है तो पोटेशियम का लॉस होगा ना, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा, वो चाहे वमन हो जाए चाहे अतिसार हो जाए, दोनों ही स्थितियों में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है मॉडर्न साइंस के अनुसार। तो छीण हो जाएगा रोगी, फ्लूड लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा। छर्दी अति प्रवृद्धा बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगी, स उपद्रवा, अब जब आप वमन के अतियोग में भी एक तरह से इसको उपद्रव युक्त छर्दी को ये भी मानिए कि जब वमन का अतियोग हो जाए ऐसी भी स्थिति आ सकती, तो पहले तो वोमिटस में जो मटेरियल है गैस्ट्रिक कंटेंट है वो निकलेंगे, जब वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, म्यूकोसा में इरोजन हो जाएगा, और जब जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है जो स्टमक की म्यूकोसा है उसमें इरोजन होगा तो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि स उपद्रवा शोणित पूय युक्ता, रक्त निकल सकता है, पूय निकल सकता है, पस निकल सकता है, स चंद्रिकाम ताम, अब वहाँ पे क्या होगा, ब्लड के स्पॉट आने लगेंगे तो चंद्रिका युक्त आने लगेगा, ताम प्रबोधंती असाध्याम साध्याम चिकित्सेद अनुपद्रवा। तो अब ये असाध्य स्थिति है, अब आप सोचिए कि अगर पस निकल रहा है वोमिटस में तो क्या कंडीशन होगी, है ना। तो अगर ये सारी कंडीशन मिल रही तो वो असाध्य है, और अगर ये नहीं है उपद्रव युक्त नहीं है, ये लक्षण भी मिले लेकिन उपद्रव युक्त लक्षण ना मिले, उपद्रव ना मिले, तो आप चिकित्सा कर सकते हैं उसे। एक बात मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि बहुत सारी व्याधियों के लक्षण में असाध्य लिखा हुआ, ये उस समय की बात है जब लाइफ सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे हमारे पास, ICU केयर इस तरह का नहीं था जो आज के समय में, जो हमारे पास यंत्र उपकरण उपलब्ध हैं वो उस समय में नहीं थे। तो जो ये लक्षण आए हैं, जो ये कंडीशंस आई हैं, ये उस समय के हिसाब से हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हम इंटेंसिव केयर में या लाइफ सपोर्ट में हम उसको मैनेज करने का प्रयास कर सकते हैं और मैनेज हो भी जाते हैं, है ना। तो केवल इस लाइन को नहीं पकड़ना है कि अच्छा अच्छा ये तो असाध्य लक्षण है, ऐसा नहीं है, समय से क्योर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम वहाँ पर चाहे इंडोस्कोपी कर सकते हैं या कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ जो ज्ञान चक्षु और ध्यान चक्षु की बात शास्त्र में कही गई है, तो ये ज्ञान चक्षु का प्रयोग करके हम लोग उसमें उसका निराकरण कर सकते हैं। फिर आगे आएंगे छर्दी रोग की चिकित्सा क्या करेंगे। अच्छा, इसके पहले विमर्श में आइए, वहाँ पर छर्दी रोगों का उपद्रव बताया गया, माधव निदान का वो श्लोक है आप मेंशन करेंगे, 19 नंबर का जो विमर्श है। काश श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्यमेव च हृदय रोग तमकश्चैव गेया छर्दी उपद्रव। तो ये माधव निदान का सूत्र है, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा कि माधव निदान का है। और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जब चरक सूत्र 7 में हम लोग
अधारणी वेग पढ़ रहे थे, तो वहां पर वमन के वेग धारण में हृदय रोग की उत्पत्ति है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वमन का जो रिलेशन है वो हृदय रोग से भी है, हृदय व्यथा से भी है, ठीक है। आगे आएंगे, छर्दी रोग की चिकित्सा देखते हैं। आमाशय उत्क्लेश भवा ही सर्वा छर्दयो मता लंघन में तस्मा। अब आमाशय से उत्पन्न होती है, छर्दी का जो अधिष्ठान है वो आमाशय है, और आमाशय में आम की चिकित्सा क्या है, लंघन है ना। तो वहाँ पर लंघन सबसे पहले है। प्राकारयेत मारुतजाम विमुच्य संशोधनम वा कपित्त हरि। तो आचार्य कह रहे हैं कि इसके अलावा लंघन तो कराइए आप, लेकिन अगर कफ और पित्त का रोल हो वहाँ पर तो आप वमन और विरेचन दोषानुसार कर सकते हैं, लेकिन अगर वात की कारण होने वाली छर्दी है, वातज छर्दी है, तो वहाँ पर आप लंघन भी नहीं करा सकते ज़्यादा, और ना तो आप वहाँ पर संशोधन करा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में वात का प्रकोप हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वातज छर्दी में निषेध है लंघन का और वमन और विरेचन का, ये दोनों ही कारणों से वात बढ़ते हैं। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर हरिद्की का प्रयोग बताया आचार्य ने 21 नंबर श्लोक में। आपको ध्यान रखना है कि अगर वमन रोग में विरेचन कराना है तो वहाँ पर हरिद्की चूर्ण का प्रयोग मधु के साथ आपको करना है, ठीक है। आगे आइए, आप 24 नंबर में आएंगे। घृतपान बताया आचार्य ने, वातात्मिकायाम हृदय द्रवार्तो नर पिबेत स सेंधवत घृतम। सेंधा नमक मिलाकर वहाँ पर घृत का प्रयोग कराना है। सिद्धम तथा धान्यक नागराभ्याम दधना चतोयेन च दाढ़ीमस। और वहाँ पर धनिया, सुंठी, दही, अनार के रस से जो घृत है उसको बढ़िया से पका के वहाँ पर पिलाना है रोगी। आगे देखते हैं, हम जो आज का लाइव सेशन ले रहे हैं, जिस तरह से हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, वो AIPGET को ध्यानांतर्गत करके कर रहे हैं, और थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ छात्र हमारे साथ थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के भी जुड़ जाते हैं लाइव सेशंस में, तो उनका भी लाभ होता रहे इससे। 35 में आए, आहार द्रव्य क्या दे सकते हैं आप वमन रोगी को। गोधूम सालीन सयवान पुराण यूसई पटोल अमृत चित्रकाणाम व्योसस्य निम्बस्य च तक्र सिद्धई यूसई फलाम्लई कटुभी तथा अध्यय। तो जो कफवर्धक आहार न हो उस तरह के आहार यहाँ पर देना है, तो इसीलिए पुराण साली देना है, पुराण गोधूम देना है, तो पटोल अमृता है ना, चित्रक दीपन पाचन जो द्रव्य है उनका प्रयोग करना है, जिनसे आम की वृद्धि न हो। 39 में आएंगे, मनःशिला का भी यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। मनःशिलाया फलपूरकस्य रसई कपित्तस्य च पिप्पलीनां क्षौद्रेण चूर्णम मरीचैश्च युक्तम लिह्यञ्जयेत छर्दिमुदीर्ण वेगान। आचार्य कह रहे हैं कि अगर वमन का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको रोकने के लिए मनःशिला ले लीजिए, और उसको नींबू सोरस और मधु या पिप्पली के चूर्ण में या मरीच का चूर्ण मिलाकर मधु और कपित्त के रस से देना है, तो ये प्रयोग किया जा सकता है। सन्निपात छर्दी की भी चिकित्सा यहाँ पर आचार्य ने बताई है 40 नंबर में। ये सा पृथक्त्वेन मया क्रियोक्ता ताम सन्निपाते अपि समस्य बुद्धि। आचार्य कह रहे हैं जो अलग अलग दोषों की मैंने चिकित्सा बताई है, वातज की बताई, पित्तज की बताई, कफज की बताई, तो दोष ऋतु और अग्नि बल के अनुसार आप उसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ सबको समेकित करके, समन्वित करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो दुष्टार्थ संयोगज वमन रोग है, जो मन में कोई ऐसा घृणा का भाव हो गया और उसके कारण वमन हो रहा है, उसकी चिकित्सा आचार्य बता रहे हैं श्लोक नंबर 41। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि विद्योतनी टीका का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो 587 पेज पर श्लोक नंबर 41 है, छर्दी चिकित्सा 20वां चैप्टर। मनो अभिघाते तो मनो अनुकूला वाचा सम आश्वासन हर्षणा। अब जब मन पे अधिक अभिघात हुआ है उसके कारण वमन हो रहा है, तो वहाँ पर मन के अनुकूल वाचह, पहले तो बात करिए है ना, कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप कोई ऐसी बात कर लेते हैं खाने पीने की जिससे उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर आप मन के अनुकूल बात करिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। फिर क्या करना है, साम आश्वासन हर्षण, वहाँ पे आश्वासन दीजिए उसको है ना, भय के कारण हो रहा है तो आश्वासन दीजिए, शोक के कारण हो रहा है तो उसको प्रसन्न करिए, हर्षण चिकित्सा करिए। लोक प्रसिद्धा श्रुतो वयस्या श्रृंगारिका च हिता विहारा गंधा विचित्रा मनुष्यो अनुकूला मृत पुष्प सुक्त अम्ल फलादिका नाम शाकानी भोज्यानि अति पानकानी सुसंस्कृता साढ़ो रागलेया। यहाँ पर अम्ल द्रव्य वाले
अम्ल रस वाले द्रव्यों का प्रयोग आचार्य बता रहे हैं, क्योंकि वो रुचि उत्पन्न करने वाला होता है ना। यूसा रसा कांबलिका खडाश्च मांसा निधाना विविधाश्च बच्चा फलानि मूलानि च गंधवर्ण रसई उपेतानि बमिंजयन्ति। तो आप पढ़ेंगे इसमें पहली पंक्ति अंडरलाइन करेंगे आप, मनो अभिघाते तु मनो अनुकूला वाचा समा आश्वासन हर्षणम, ये अंडरलाइन करें। फिर छर्दी में जो उपद्रव हो रहे हैं आचार्य, देखिए कॉम्प्लिकेशन का उस समय भी मैनेजमेंट किया जाता था, ऐसा नहीं है कि आईसीयू नहीं रहा होगा तो कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ उसके अल्टरनेटिव कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था रही होगी। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि रामायण की घटना सही है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो रात भर उनको खुले आसमान के नीचे थोड़ी रखा गया होगा, कुछ ना कुछ लाइफ सपोर्ट उस समय के हिसाब से उपलब्धता के अनुसार दिया गया होगा, है ना। तो अगर उपद्रव हो जाए, छर्दी उत्तिता नाम चाहे चिकित्सिता सात चिकित्सितम कार्यम उपद्रवा नाम अति प्रवृत्ता सुविरेचन से कर्मात योग विहितम विधेयम। आचार्य करेंगे बहुत ज़्यादा बमन हो रहा हो, रुक नहीं रहा हो तो वहाँ पर विरेचन करवा दीजिए। जब आप डायरेक्शन बदल देंगे दोषों का, ना ऊर्ध्वगामी दोष है तो बमन हो रहा है, दोष को अधोगामी कर दीजिए रुक जाएगा, है ना, बमन बंद हो जाए, इसलिए विरेचन देने का बताया। उसके बाद श्लोक नंबर 46 में आए आप, है ना, तो हम देखते हैं कि वमी प्रसंगाद पवनो अपि अवश्यम धातु क्षयाद वृद्धि उपायति तस्मात, अंडरलाइन करेंगे 46 का सेकंड नाम, छिर प्रवृत्तासु अनिलापहानि कार्याणि उपस्तंभन बृहणानि। तो यहाँ पर स्तंभन और बृहण बताया है आचार्य ने। आप लोगों में से कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे, राजेश कुमार जी कुछ मैसेज कर रहे हैं, मैं सेशन लेने के बाद कुछ बात कर पाऊँगा आपसे, स्वागत करता हूँ किसी भी तरह के कमेंट का, लेकिन मैं एक निवेदन करूँगा कि जो विषय चल रहा है अगर उससे संबंधित हम लोग प्रश्न करें तो उसका जवाब देने में मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस बात के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आपका प्रश्न समयानुकूल है लेकिन विषयानुकूल नहीं, तो मैं उस बारे में भी बात करूँगा। पहले हम आज का सेशन पूरा कर लें, ये अध्याय समाप्ति के उस पर है। तो दीर्घ छर्दी रोग में आचार्य ने कहा है कि वातनाशक चिकित्सा करेंगे, है ना, तो वहाँ पर लगातार वमन हो रहा है तो धातुओं का क्षय हो जाता है, और धातुओं का क्षय होने से आप जानते हैं कि वात का प्रकोप होता है, तो ऐसी स्थिति में वायुनाशक स्तंभन और बृहण चिकित्सा का प्रयोग करना है। क्योंकि वात का प्रकोप दो तरीके से होता है, या तो धातु क्षय से होता है या आवरण से होता है, तो यहाँ पर अगर लंबे समय तक छर्दी रोग है तो वात का ही प्रकोप होता है, है ना। तो वहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है 46 की सेकंड लाइन, चिर प्रवृत्तासु अनिलापहानि कार्याणि उपस्तंभन बृहणानि, है ना, अंडरलाइन करेंगे। फिर यहाँ पर सर्पी गुड़ का प्रयोग बताया गया है 47 में, तो आप वहाँ पर देखेंगे छत्छीण चिकित्सा में बताया गया था ये। तो सर्पी गुड़ा चीर विधि घृतानि कल्याणक त्रिउष्ण त्रिउष्ण जीवनानि वृष्या तथा मांस रसा सलेहा चिर प्रसक्ताम च बमिंजयन्ति। लंबे समय से अगर बमन रोग है तो वहाँ पर सर्पी गुड़ जो छत्छीण चिकित्सा में जैसा मैंने कहा बताया गया उसका प्रयोग करना है, और वहाँ पर वृष योगों का प्रयोग करना है, जीवनीय गण की औषधियों का प्रयोग करना है, कल्याणक घृत का, त्रिउष्ण का, जीवनीय घृतों का, वृष योगों का, मांस रस का, इनका सबका प्रयोग अगर लंबे समय तक आप करते हैं तो जो लंबे समय से होने वाली चिर प्रसक्ताम च बमिंजयन्ति, लंबे समय से जो बमन रोग है, जीर्ण बमन रोग है, वो ठीक हो जाता है। अब लास्ट में आचार्य बता रहे हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में बताया उन्होंने इस अध्याय में 48 में, हेतुम संख्या लक्षणम उपद्रवान साध्यताम न योगाश्च छर्दी नाम प्रसमार्थम प्राह चिकित्सितम। तो मुनियों में श्रेष्ठ जो आत्रेय पुनर्वसु आचार्य थे उन्होंने बमन रोग के यहाँ पे कारण बताए, निदान बताए, उनकी संख्या बताई, लक्षण बताया, उपद्रव बताया, साध्य साध्यता बताया, और उनकी जो वमन नाशक जो योग हैं उनका वर्णन किया है। तो कुछ योग ऐसे हैं, बाद में हम उनको बताएंगे आपको, काय चिकित्सा के पर्पज से जो प्रश्न पूछा जाता है, एक तो नीलकंठ रस है वमन रोग में बहुत पूछा गया प्रश्न, मयूर पिच भस्म है उसका विशेष रूप से हिक्का में प्रयोग करते हैं लेकिन वमन रोग में भी उसका प्रयोग करते हैं, चक्रदत्त में पद्मकादि घृत बताया है, एलादि चूर्ण बताया गया है, वृष ध्वज रस बताया गया है। तो यहाँ पर छर्दी चिकित्सा अध्याय समाप्त होता है। कल हम लोग जो 21 चैप्टर है विसर्प चिकित्सा उसको भी लाइव सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके कमेंट हमने देखे हैं, कुछ
रोजगार से संबंधित आपकी समस्या है, लेकिन उसके लिए आपको थ्रू प्रॉपर चैनल उस विभाग से संपर्क करना पड़ेगा जहाँ से ये समस्या है, जो उसका निराकरण कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से कभी मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे तो मैं आपको समझा पाऊँगा कि आपको इसके लिए क्या करना है। और एक बार पुनः आप सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूँगा कि जो विषय चले उस पर प्रश्न पूछें। और राजेश जी, जैसा मैंने आपको कहा कि आप मुझसे बाद में टेलीफोनिक संवाद करेंगे, मैं आपको इस बारे में जो कुछ मेरा अनुभव है, जो ज्ञान है, उस पर मैं आपको सलाह देने की कोशिश करूँगा। छात्रों से मैं अनुरोध करूँगा कि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछें, छर्दी चिकित्सा से ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से आपकी कोई समस्या हो, क्योंकि एक महीने बाद आपकी AIPGET का एग्ज़ाम होना है, आप कुछ भी पढ़ रहे हों और उसमें कोई समस्या आ रही हो तो मुझे बताएं। अभी मैं 2-3 मिनट ऑनलाइन रहूँगा, आपके प्रश्नों का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप पूछें, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। चरक आयुर्वेद क्लासेस की तरफ से अभी 2 सितंबर से हम संस्कृत का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं 10 दिन के लिए। जो छात्र छात्राएं इस वर्ष AIPGET में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कई बार छात्रों के मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर संस्कृत समझ में नहीं आ रही, उसको किस तरह से पढ़ना है। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक एक प्रश्न का बहुत महत्व होता है और संस्कृत से तो 3 से 5 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। संस्कृत रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों विषयों से कम 5-5 प्रश्न आने हैं, मतलब 15 प्रश्न आने हैं 120 में से। तो वो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए हमने कोर्स 2 तारीख से अनाउंस किया है कि 10 दिन में हमें उसे समाप्त करना है। और इसके अलावा उड़ान 2020 जो हमने रेशेड्यूल किया है, उसका एक ही टेस्ट हो पाया था, अभी हम 5 टेस्ट उसके फिर से कर रहे हैं जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए, जो सुपर टेस्ट सीरीज़ है हमारी 5 टेस्ट की, उसमें भी सम्मिलित हों। और उसमें हम प्रश्न इस तरह के रख रहे हैं जो बहुत कठिन नहीं होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास न डगमगाए, आप उसको करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका अभ्यास होगा और आप अपना स्वमूल्यांकन कर पाएंगे। हम तो आपको आपका स्कोर बताएंगे ही, आपको गाइड करेंगे, और जो भी प्रश्न हम देंगे उस पर हम लाइव डिस्कशन करेंगे पेपर होने के बाद। अगले दिन प्रयास करेंगे कि 1 या 2 सेशन में 120 सवालों को ऑनलाइन डिस्कस किया जाए कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया था, इसमें यही ऑप्शन क्यों दिए गए थे और हमें किस तरह से उन प्रश्नों को करना था। आपके और कोई प्रश्न हो तो पूछें। नीलकंठ रस, डॉक्टर निधि ने पूछा है, आप शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नीलकंठ रस है जो छर्दी रोग का रोगाधिकार है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीलकंठ रस जो है वो छर्दी रोग के लिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। कुंज बिहारी जी का एक प्रश्न है कि हिक्का को औषध सेवन काल में कहाँ क्या बोला गया है, तो आप उसको देख लें, वहाँ पर 2 जगह हिक्का के लिए बात आई है, हालांकि रिप्लाई कर दिया है कुंज बिहारी जी ने ही कर दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आपका ही प्रश्न, आपने ही मुझसे पहले जवाब दे दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं तब तक पढ़ पाया आपका मैसेज। आप में से किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछें। ठीक है, अब हम आज का लाइव सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमारे साथ इस लाइव सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर लाइव सेशन में मिलेंगे, उसका समय परिवर्तित रहेगा, आपको उसकी सूचना पहले ही दी जाएगी, जिससे कि आप उस समय पर तैयार रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।
निषाद ने एक प्रश्न किया है कि सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग टाइप्स बताने हैं, तो हमने ये शुरू में ही बता दिया था निषाद, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। चरक और वाग्भट ने, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने पांच पांच प्रकार बताए हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और दुष्टार्थ संयोगज, ठीक है। आचार्य सुश्रुत और माधव ने पांच प्रकार बताए, बीपी केएस और आगंतुज। आचार्य सारंगधर ने सात प्रकार बताए हैं, है ना, वीपी केएस, क्रिमिज, घृणाजन्य और गर्भज। तो आज का ये लाइव सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।